बसंत पंचमी की सीएम योगी ने बधाई दी है और ट्वीट किया है कि प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पावन त्रिवेणी की गोद में बसंत पंचमी के अवसर पर आज मां सरस्वती से विद्या विवेक एवं वृद्धता की मनोकामना के साथ आस्था के स्नान के लिए पधारे सभी साधु संतों साधकों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। माता सरस्वती हम सबका कल्याण करे, तो ये योगी जी ने ट्वीट किया है। बसंत पंचमी के मौके पर आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा में डुबकी लगाई है। सीएम योगी गंगा यात्रा के दौरान प्रयागराज पहुंचे थे। सीएम योगी के साथ राज्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कई अन्य नेताओं ने भी उनके साथ डुबकी लगाई। इससे पहले बुधवार रात को प्रयागराज में ही सीएम योगी ने संगम तट पर आरती की थी। आरती के बाद सीएम योगी ने ट्वीट भी किया था। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, प्रयागराज की पावन धरती पर संगम तट पर आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होने से मन को अनिवर्चनीय एवं दिव्य अनुभूति हुई। मां गंगा से प्रार्थना है कि वे सभी को अपने वात्सल्य एवं आशीर्वाद से सिंचित कर समृद्धि प्रदान करें। जय गंगा मैया। हम लोग प्रयागराज के धरती पर संगम में इस समय है। ऋतुराज बसंत का आगमन हुआ है, बहुत सुहावना मौसम है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ पर आकर के आज माघ मेले में बसंत पंचमी का स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी के आगमन पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को, पूरे प्रदेशवासियों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रयागराज अपने अद्भुत कुंभ के लिए माना जाता है और कुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन को करने का श्रेय और यह अवसर हमारी सरकार को विगत वर्ष प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आज यहाँ पर आए हैं और इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भी हम लोगों ने स्नान का जो आनंद लिया है, यह सचमुच अद्भुत है, अवर्णनीय है। बसंत पंचमी का यह अवसर निरंतर लोगों के जीवन में आए, प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में आए, ये मेरी प्रत्येक के प्रति शुभकामना है। संवाददाता सोएब रिजवी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे वाक्य पर। तो सोएब, सीएम का इस तरीके से गंगा में स्नान करना, क्या किसी हद तक इसको जो गंगा यात्रा निकाली गई उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि इस समय प्रदेश में गंगा यात्रा भी चल रही है और फिर सीएम और उनके साथ बड़े मंत्री भी इस तरीके से गंगा स्नान कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये संदेश देने की जरूर कोशिश है। हालांकि जैसा कि मुख्यमंत्री खुद बताया है कि इससे पहले जब आयोजन हुआ था कुंभ का, तो उसमें भी न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी गंगा में स्नान किया था। और इस बार जब माघ मेला चल रहा है और बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर आज मुख्यमंत्री खुद संगम में मौजूद हैं। उन्होंने गंगा स्नान किया है, क्योंकि संगम यात्रा क्योंकि ये गंगा यात्रा जो निकली हुई है उसका पड़ाव भी प्रयागराज में है, तो ये दोनों मौके हैं जिस पर मुख्यमंत्री ने बाकायदा स्नान किया है और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। उनके बातचीत से भी साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने यहाँ पर जो तैयारियां हैं और जो गंगा यात्रा का मकसद है उस पर जरूर खुशी जाहिर की। जी सोहेब, देखा जाए कि इतना बड़ा पावन पर्व है ये, जहां पर जैसे कि सीएम ने खुद कहा कि लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, तो लाखों श्रद्धालुओं को पहुंचने को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको किसी प्रकार की जो रास्ते में दिक्कतें होती है वो दिक्कतें ना हो, तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो इंतजाम है किस तरीके से है? बिल्कुल, चूंकि जो प्रशासनिक अनुमान है करीब 80 लाख श्रद्धालु आज के दिन डुबकी लगाएंगे, ऐसा जो प्रशासन का अनुमान है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं वो अरेल घाट से संगम स्नान के लिए गए थे, क्योंकि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से उन्होंने एक अलग जो अरेल की तरफ घाट बना है वहां पर स्नान किया है। तो लगातार श्रद्धालु संगम की तरफ खींचे हुए आ रहे हैं माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। न सिर्फ जमीन पर बल्कि ड्रोन कैमरे के जरिए आसमान से भी निगरानी की जा रही है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी है, रूट डाइवर्जन किया गया है। तो इस तरह के तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम इसके सुरक्षा की
चार सौ इंतजाम किए गए, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु काफी दूर दूर से, क्योंकि बैरिकेडिंग भी की गई है, तो पैदल भी संगम की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, तो श्रद्धालुओं में जो जोश है वो कहीं कम नहीं हो रहा है और लगातार संगम की तरफ बढ़े आ रहे हैं। जी शोएब, अगर बात करें जल पुलिस के बारे में, तो जल पुलिस को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब अधिक भीड़ होती है तो लोग किनारे से हटकर थोड़ा आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और अधिक पानी में जाकर डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में कई बार देखा गया कि जो श्रद्धालु हैं जाकर फंस जाते हैं, तो ऐसे में जल पुलिस को लेकर क्या कुछ जो ये कहें कि तैनाती की गई है? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस ने बाकायदा एक बैरिकेडिंग जल के अंदर भी कर रखी है, जो स्नान का घाट बनाया है उससे थोड़ी दूरी पर वो बैरिकेडिंग है, उसके उस तरफ जो जल पुलिस के जवान है वो मौजूद रहते हैं, तो सुरक्षा कारणों से उसके आगे जाने की परमिशन भी नहीं होती, तो पुलिस की तरफ से यानी जल पुलिस की तरफ से इसके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा गोताखोर जो घाट का किनारा है वहाँ पर गोताखोरों की तैनाती है इससे निपटने के लिए, साथ ही साथ जो बाकायदा जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पर वो ये सुनिश्चित किया गया कि ज्यादा गहराई न हो, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा के लेकर के प्रशासन की तरफ से की गई। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब आपका हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ने के लिए। प्रयागराज में माघ मेले का चौथा स्नान पर वसंत पंचमी आज ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया है। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं का आस्था से डुबकी लगाने का जो तांता है वो शुरू हो चुका है। सुबह से ही घाटों पर स्नानियों का हुजूम लगा हुआ है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। मेले क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र में 13 पुलिस स्थानों और 38 पुलिस चौकियों के अलावा PCRAF की तैनाती भी की गई है। साथ ही ड्रोन और CCTV कैमरों से भी पूरे जगह पर निगरानी की जा रही है। प्रशासनिक दावों के मुताबिक आज 80 लाख के करीब श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं पूरा नज़ारा प्रयागराज के संगम का। तो ये आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और कई पुलिस चौकियाँ हैं और